सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले क्लास सेवेंथ सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब प्यारे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि यार गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारी हेल्थ पे, मतलब कि प्यारे बच्चों हेल्थ जो होती है, पहले हेल्थ ही समझ लेते हैं ठीक है। तो हेल्थ क्या होती है प्यारे बच्चों? हेल्थ प्यारे बच्चों हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग नहीं डेली लाइफ में टर्म हेल्थ का यूज़ करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है आपकी हेल्थ ख़राब है, तो यार हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारी फिजिकल एबिलिटी कैसी है, या फिर हम किसी भी काम को कैसे कर रहे हैं। जैसे प्यारे बच्चों एक खराब आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी, खराब आदमी नहीं, एक ऐसा आदमी प्यारे बच्चों जिसकी हेल्थ खराब है, यानी वो मान लीजिए बीमार है, तो यार वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना एक स्वस्थ आदमी कर रहा है कि नहीं। अरे भाई एक आदमी के पैर में यदि चोट लगी है या फिर एक आदमी को यदि बुखार है तो क्या वो ज़्यादा काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जबकि एक आदमी जो एकदम हट्टा कट्टा स्वस्थ है वो कितना तेज तेज काम करेगा, वो तो आप ही लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो हेल्थ होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यार कोई भी व्यक्ति कितना काम करेगा, हमारा देश कैसा है। सोचिए यदि हमारे देश के आर्मी लोग हेल्दी ना हो तब क्या होगा? तब यहाँ पे किसी भी देश के आर्मी लोग अटैक करके फिर से फॉरेन रूल यहाँ पे हो सकता है, यानी कि देश विदेश को लोग आके यहाँ पे रूल करने लगे, है कि नहीं। इसीलिए प्यारे बच्चों जो गवर्नमेंट होती है वो ये मेंटेन करना चाहती है कि किसी भी जो स्टेट का जो हेल्थ है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक प्यारे बच्चों। तो किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए हेल्थ जो होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ को लेकर के बहुत ही सीरियस रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ हेल्थ, क्या बात करेंगे, व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या होती है, थोड़ा मोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। तो प्यारे बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग वेल, ये मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्या फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग वेल, यानी कि फिजिकली यदि हम लोग सही हैं, यानी हमारा शारीरिक सब कुछ सही है, तो हम लोग वहाँ पे क्या कहलाएंगे, हम लोग यहाँ पे कहलाएंगे हेल्दी पर्सन। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों एक आदमी है, ठीक है, वो प्यारे बच्चों क्या कर ले रहा है, बहुत तेज़ी से एक्शन ले पा रहा है, और अच्छा क्रिकेट के एग्जांपल से, क्रिकेट मेरा वैसे फेवरेट स्पोर्ट है इसलिए मैं हमेशा क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग यदि सोच रहे हो कि हमेशा क्रिकेट का ही क्यों, तो बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा फेवरेट गेम इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों जो क्रिकेट होता है प्यारे बच्चों, उसे आप लोगों ने देखा होगा कितने हेल्दी प्लेयर रहते हैं, है कि नहीं। इसीलिए तो प्यारे बच्चों लंबे लंबे दूर दूर तक क्या लगाते हैं, सिक्स लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हेल्थ किसी की अच्छी होगी तभी ना लंबा लंबा सिक्स लगा पाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों हेल्थ जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट के लिए, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अमीर और गरीब में हेल्थ का क्या इफेक्ट रहता है, मतलब अमीर और गरीब में क्या क्या अंतर रहता है हेल्थ में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्योर, यानी कि ठीक होने का कॉस्ट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया गया इस कहानी में दो बच्चों के बारे में, कितने बच्चों के बारे में, दो बच्चों के बारे में। यार यहाँ पे थोड़ा व्हीकल आ रही है, रुकिए, हाँ अब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कितने बच्चों के बारे में, दो व्हीकल के बारे में, दो बच्चों के बारे में, सॉरी। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे होते हैं ना यहाँ पे, वे जाते हैं हॉस्पिटल में क्या करने के लिए, इलाज करने के लिए। दोनों बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, एक अमीर का बच्चा रहता है, गरीब का बच्चा रहता है। अमीर का बच्चा प्यारे बच्चों, अमीर का बच्चा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और गरीब का बच्चा किस में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जब प्यारे बच्चों अमीर का बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर एकदम शांति रहती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है, पर यार वहाँ पर 500 रुपये खाली मतलब लगता है, वहाँ पे चार्ज ही उनका डॉक्टर का। उसके बाद डॉक्टर उन्हें जोक भी सुनाते हैं, दवाई भी देते हैं, इंजेक्शन वगैरह, मतलब जो जो करना रहता है कर लेते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पंखा वगैरह एसी वगैरह की भी व्यवस्था रहती है, कोई भीड़ नहीं रहती, एकदम शांत इन्वायरमेंट रहता है, एक धीमे धीमे म्यूज़िक, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, म्यूज़िक के साथ साथ वहाँ फूलों की खुशबू भी आ रही थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जबकि जब ये लड़का जाता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, धक्का मुक्की हो रही होती है, सभी लोग एकदम क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो खाली 50 लगता है, जबकि इसका जो कॉस्ट रहता है वो कितना लगता है, 500 लगता है, और इसे अच्छी व्यवस्था भी मिल पाती है, ठीक। तो अब प्यारे बच्चों हमने ये देखा इस कहानी से कि यार ये जो दोनों बच्चे हैं इनका जो अलग अलग इलाज हुआ है उस पर भी तो इफेक्ट हुआ होगा,
मतलब जो डॉक्टर हैं वो थोड़ा चिड़चिड़े भी हो गए होंगे जब ज़्यादा मरीज आए होंगे, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो लड़का गया तो वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ने ही देखा। तो दोनों लोग बहुत अंतर है, एक की इलाज अच्छे से हुआ, एक का इलाज अच्छे से नहीं हुआ होगा, फिर भी दोनों किसी तरह ठीक हो गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इससे हमें ये देखने को मिलता है कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, तो उसका मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अरे भैया हेल्थ इंपॉर्टेंट तो क्या उसका मैनेजमेंट नहीं इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसे मैनेज करना भी पड़ेगा। उसी के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लगाया गया, हेल्थ केयर लगाया गया जो बच्चों की हेल्थ को देखे, और इसी के साथ उसमें भी इक्वलिटी लगाई गई। सोचिए यदि इक्वलिटी ना होती तो क्या होता, तो कोई ज़्यादा मतलब कि किसी के हेल्थ की ख्याल रखा जाता, किसी का नहीं। तो इस तरह का यहाँ पे प्यारे बच्चों स्कीम चलाया गया जिससे ये हो सके कि सभी लोग क्या हो सके उसका फ़ायदा उठा सके। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं केरला का, प्यारे बच्चों केरला ने क्या किया, नहीं नहीं रुकिए मैं अभी दूसरा स्लाइड पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, एक मिनट का सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए। देखिए प्यारे बच्चों आ गया, तो केरला में प्यारे बच्चों क्या होता है कि 1996 में केरला की गवर्नमेंट एक ऐसी अभियान चलाती है कि उसके द्वारा जो मतलब कि 30% आप लोग कह सकते हैं, जो 30% वहाँ की इनकम रहती है उसे क्या कर दिया जाता है, हर एक नगर पालिका को दे दिया जाता है। वो क्या करती है प्यारे बच्चों, वो हर एक जगह के हर एक इलाके का वाटर सिस्टम और इसी के साथ साथ सैनिटरी सिस्टम, वेस्ट कैसे जा रहा है, वेस्ट का डिस्पोजल करने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, मतलब वेस्ट फेंकने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, तो ये सब देखने का काम करती है। इससे क्या होगा, इससे बीमारी बहुत कम होगी। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो इस तरह के नए नए स्कीम भी चलाए जाते हैं ताकि हेल्थ हमारी क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, पोल्यूशन डिक्रीज हो सके, वाटर की अच्छी फैसिलिटी हो सके, फूड मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, जो कि आप लोग साइंस में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट कितना अच्छा रोल प्ले करती है, यानी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग हेल्थ समझ में आया होगा, आया कि नहीं। यदि आया है प्यारे बच्चों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी, यदि नहीं किया है प्यारे बच्चों तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसी में सभी चैप्टर्स इसी प्रकार से एक्सप्लेन्ड है 7 से 8 मिनट में। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की।